जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, ये यूएसबी पोर्ट है जी। जैसे कि आपको ऐप नज़र आ रही है जी वाई कैमी के नाम से, और क्लिक करने के बाद ये हमारे फेस पे लॉक हो जाएगा। ये मोड बटन के हमको आपको फंक्शन बताने थे, जिसमें 5 फंक्शन कंफर्म करेंगे तो ये आपका कैलिब्रेट करना शुरू कर देगा आपका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं खालिद हाशमी वसीसन से। आज हम आपके लिए लाए हैं गिम्बल, जो एक्ज्यून कंपनी का स्मूथ 4Q3, जिसको आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में आपको फंक्शन जो हैं वो भी बताएंगे, और आपको दूसरी चीज़ें जो मार्केट में इसके प्राइसेस चल रहे हैं वो, और इसके अलावा और मालूम जो हमसे मुमकिन हो सकती है आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और वीडियो आपके लिए बनाते रहें और YouTube पे उसको अपलोड करते रहें। और हमारा वेबसाइट भी है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और मैं दोहरा भी देता हूँ, www.vasisan.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0335372291। तो आइए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं, पहले इसको अनबॉक्सिंग और उसके बाद इसके फंक्शन आपको समझाते हैं। अनबॉक्सिंग कर लिया, और अनबॉक्सिंग से बाद जो है हम आपको इसके फंक्शन बताते हैं। सबसे पहले हमें इसको दो जगह से अनलॉक करना है। सबसे पहले हम ये इन्होंने एक नट दिया हुआ है, जिसको लूज़ करने के बाद हम इसको नीचे की तरफ जो है स्लाइड करेंगे, और ये लास्ट में आके इसको एक आवाज़ आएगी जो ये नीचे लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद इसको यहीं इसी स्क्रू को हम दोबारा टाइट करेंगे, ताकि ये वापसी ऊपर ना जाए और आपकी जो वीडियो बन रही है वो ख़राब ना हो। और दूसरा जो लॉक है वो इस माउंट के अंदर है, इसको जैसे ही हम घुमाएंगे ये अनलॉक हो जाएगा। अब ये जो है दोनों चीज़ों इसकी अनलॉक हो चुकी हैं, और इसके बाद हम इसको ट्राईपोड पे लगाएंगे। ये ट्राईपोड हमारे पास ही रखा हुआ है, इसमें लगाने के बाद और दूसरे फंक्शन फिर आपको बताना शुरू करेंगे। ये हमने इसका ट्राईपॉड लगा दिया, अभी है ट्राईपॉड के बाद ये आपसे जो है बिल्कुल आसानी से जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप, इसको इजी हो जाएगा आपके लिए इसको समझना, इसको स्टार्ट करना। हमने जो इसको ट्राईपॉड पे फिक्स कर लिया है, और अब इसमें आपको यहाँ पे 3 कीज़ नज़र आ रही होंगी, जिसमें एक जॉयस्टिक है, दूसरा इसमें एक 2 स्विच बटन है, एक बटन मोड का है और दूसरा बटन रिकॉर्डिंग का है। और अगर इसको हम पीछे की तरफ देखेंगे घुमा के, यहाँ पे आपको 2 बटन नज़र आएंगे। पहला ऊपर का बटन जो है वो आपका पावर का है, और नीचे जो है वो ट्रैकिंग का है। इसे इसमें जो है ट्रैकिंग में आपके 3 फंक्शन हैं, जो हम अभी आगे चल के बताते हैं। पावर आपको पता है, थोड़ी देर इसको होल्ड रखने के बाद पावर ऑन होती है। आगे जो आपको हमने 3 जो बटन दिखाए थे, सबसे नीचे वाला जो है वो रिकॉर्डिंग का, उसमें भी 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन वीडियो रिकॉर्डिंग का है, दूसरा फंक्शन फोटो कैप्चर का है, और तीसरा फंक्शन जो है उसको बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे पे टर्न करने के लिए। आप अगर बैक कैमरा यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी इसको यूज़ करेंगे, और फ्रंट कैमरा तो भी इसको यूज़ करेंगे। और ये मोड के अंदर बटन में
और मोड के बटन में आपके पांच फंक्शन हैं, जो पांचों फंक्शन हम आपको आगे चल के बताते हैं। इसके बराबर में जॉयस्टिक है, और जॉयस्टिक नॉर्मली सबको पता है कि कैसे यूज़ होती है, किस तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी डिवाइस को अप डाउन लेफ्ट राइट करने के काम आता है। और इसमें जो बटन में मोड बटन में है वो भी फंक्शन आपको बताएंगे। और इसमें की में, इसमें जो रिकॉर्डिंग के बटन में जो फंक्शन है और कैसे ऑपरेट होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। इससे पहले इस साइड में अगर आप देखेंगे, ये यूएसबी पोर्ट है जो एक चार्जिंग के लिए इन्होंने दी हुई है। जो आपके पास मोबाइल के साथ आए होंगे वो मौजूद होंगे चार्जर, उनको यूज़ कर सकते हैं हम इनमें। और लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि इसमें एम्पेयर 5 एम्पेयर का चार्जर यूज़ होता है। कम एम्पेयर का चार्जर यूज़ करेंगे तो आपका ये बहुत स्लो चार्ज होगा और सही चार्ज नहीं हो पाएगा, जिससे आपको परेशानी होगी। तो जो 5 एम्पेयर के चार्जर आपके घर में मौजूद है उसी से चार्ज कीजिएगा। और अगर हम इसके अपोजिट जाते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ पे एक की और है जो आपकी जूम इन जूम आउट के लिए है। मतलब हम जब इसको जूम करेंगे, ये नीचे की तरफ पुश करेंगे, और जब इसको दोबारा जूम आउट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ पुश करेंगे, तो ये जूम के लिए काम करेगा। और इसके साथ जो है हम आपको मोबाइल भी कनेक्ट करने का तरीका भी समझाते हैं कैसे होता है। मोबाइल के अंदर हमने ऐप जो है वो पहले से इंस्टॉल की हुई है, और उसमें कनेक्ट करने का तरीका हम आपको बता देंगे। और इसके जो ऐप का नाम है ZY Cami के नाम से इसकी ऐप है, जिसमें आप इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें फंक्शन है, काफ़ी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, कंपनी ने काफ़ी उसमें चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं, जिससे आपको इस बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए पहले आपको इसको मोबाइल लगा के और ऐप से कनेक्ट करने का तरीका समझाते हैं। अब जैसे है, ये हमारे पास मोबाइल है, हम इसमें आपको इसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है वो ये एरो देखना है, और इस एरो के हिसाब से हमें इसका जो कैमरा है मोबाइल का वो ऊपर की तरफ रखना है। जैसे ही आप ये एरो को घुमा के हम ऐसे करेंगे, और इसमें कैमरा मोबाइल जो है वो इस तरह लगा के, और इसको थोड़ा सा हल्का सा बैलेंस कर लीजिए ताकि अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और जो पावर हमने आपको पीछे पावर बताई थी, उसको 2 सेकंड होल्ड रखेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगी आपकी, और ये मोबाइल जो है आपका खुद ही बैलेंस में आ जाएगा। अब ये मोबाइल आपके बैलेंस में आ गया है। अब ये की हमने आपको बताई थी, ये अप डाउन के लिए, ये आप सही है, और ये आपका लेफ्ट राइट के लिए होगा, लेफ्ट राइट भी करेगा ये आपका, ये की इसके काम आती है। बाकी कीज जो है वो हम इसमें जब ऐप से इसको कनेक्ट करेंगे उसके बाद काम करेंगे। तो आइए इसके जो हम आपको ऐप जो है वो कनेक्ट करने का तरीका बताते हैं। जी जैसे कि ये आपको ऐप नज़र आ रही है ZY Cami के नाम से, हम इसको सबसे पहले इसके क्लिक करके इसके सिस्टम में जाएंगे, फंक्शन में। अभी आपको सब इसका डेमो आ रहा है। इसमें ये कॉर्नर पे कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बटन आएगा अलाउ का, आपने अलाउ करना है, और ये ब्लूटूथ की ऑन हो जाएगा आपका मोबाइल का। और यहाँ कोने पे आपका एक कनेक्ट का बटन आएगा, जिसको आपको कनेक्ट करना है। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे ये सर्चिंग पे चला जाएगा आपका, और ये आपका जी। इसमें हम आपको एक फंक्शन बताना भूल गए कि ये लाइट इसमें दी हुई इन्होंने, ये लाइट है, और इसके साथ आप देख रहे होंगे एक बटन नज़र आ रहा होगा इसके हेड पे। ये बटन अगर थोड़ी देर हम पुश रखेंगे तो ये लाइट ऑन हो गई, और इसको हम तेज़ ज़्यादा कर सकते हैं इसको टच कर करके। जितनी दफ़ा इसको हम टच करेंगे ये लाइट तेज़ और हल्की हो जाती है, और हमें इसी बटन को दोबारा होल्ड रखना है थोड़ी देर, ये ऑफ़ भी हो जाएगी, ये ऑफ हो गई। जी गाइस, जैसे हमने आपको बताया था, हम इसके फंक्शन जैसे ट्रैकिंग फंक्शन है उसको बताएंगे कैसे मूव करता है और कैसे इस्तेमाल करना है। पीछे ट्रैकिंग बटन जो हमने बताया था उसको एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये हमारे फेस पे लॉक हो जाएगा। फिर हम जैसे जैसे मूव करेंगे ये गिम्बल भी हमारे साथ मूव करेगा,
वैसे ही हमें लॉक करके रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे ये लॉक हो गया। अब हम आगे वापस अपनी पोजीशन पर जाएंगे तो ये वापस हमारी पोजीशन पर मूव करता रहेगा, ये हमारी फेस के साथ साथ जो है ये मूव करता रहेगा, और इसको हम 360 तक ले जा सकते हैं। जैसे ये अभी हम मूव कर रहे हैं, 360 तक पूरा मूव कर लिया इसने, और ये वापस बैक करेगा। आप फास्ट नहीं चलेगा, फास्ट चलेंगे तो ये आप फ्रेम से निकल जाएंगे, फ्रेम से निकलने की वजह से वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है, और इसको अगर हम दोबारा पुश कर देंगे तो ये लॉक ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जो इसका ट्रैकिंग बटन का जो और फंक्शन हमने बताना था इसका, वो आपको पहले वीडियो में हमने बताया था, ये दो दफ़ा में ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा वापस, रेडी टू यूज़ जो होता है उसमें स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। इसके बाद जो फंक्शन आपने ऑपरेट करने हैं वो कर सकते हैं। हमने आपको इस रेड बटन के तीन फंक्शन आपको बताने थे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा कैसे इस्तेमाल होगा। जब इस बटन को, जो रिकॉर्डिंग बटन है, इस पर एक रेड कलर दिया हुआ इन्होंने, इसको हम जब तीन दफ़ा पुश करेंगे तो ये आपका बैक कैमरा से फ्रंट कैमरे में आ जाएगा। जैसे 1, 2, 3 ये आपका फ्रंट कैमरे पे आ गया, जिस कैमरे से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। हम इसको दोबारा तीन दफ़ा पुश करेंगे, 1, 2, 3 तीन दफ़ा पुश करने पे बैक कैमरा और तीन दफ़ा पुश करने पे फ्रंट कैमरे पे आ जाएगा। अगर इसी बटन पुश करेंगे तो ये हमारा स्टिल कैमरे पे चला जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, 1, 2 ये आपका स्टिल कैमरा आ गया। अब आप इसको एक दफ़ा अगर पुश करेंगे तो ये स्टिल फ़ोटो लेगा आपका, ये स्टिल फ़ोटो आ गया। और इसी को अभी फिर स्टिल फ़ोटो हमें लेना है तो वही हमारा तरीक़ेकार होगा। तो तीन दफ़ा जो है हम इस बटन को पुश करेंगे तो ये स्टिल कैमरे के साथ आ जाएगा फ्रंट कैमरे पे। अभी हमें यहाँ आप इसी कैमरे के पिक्चर लेनी है तो ये एक दफ़ा पुश करेंगे ये पिक्चर ले लेगा। ये अगर हमें ये वापस बैक कैमरे पे आना है, हम तीन दफ़ा इसको पुश करेंगे तो ये बैक कैमरा चला जाएगा। लेकिन अगर इसी पोजीशन में हमने वीडियो पे लाना है तो हम दो दफ़ा इसको पुश करेंगे बटन को तो ये वीडियो पे चला जाएगा, 1, 2 अब ये वीडियो कैमरे पे आ गया। अब ये हमारा कैमरा नज़र आ रहा है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमने एक दफ़ा पुश करना है तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, ये रिकॉर्डिंग का साइन है यहाँ पे, इसके काउंटर चल रहा है ऊपर। एक दफ़ा फिर पुश करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर हमें दोबारा बैक कैमरे पे जाना है तो हम इसको तीन दफ़ा पुश करेंगे, 1, 2, 3 ये वापस बैक कैमरे पे आ गया। तो इस तरह ये आपका ट्रैकिंग सिस्टम और बैक और फ्रंट कैमरा जो आपने यूज़ करना है, और वीडियो कैसे बनानी है और कैप्चर कैसे करना है, सारे बटन जो है हमने ये आपको बता दिए। बाकी वीडियो हमने आपको इंडोर में बताई थी, ये थोड़ा सा फंक्शन था जो हमने आपको आउटडोर पे बताना था। तो आइए बाकी वीडियो दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। जी गाइस, हमने आपको जो फंक्शन बताने थे, जो इसकी ऐप है, ऐप के अंदर जो इन्होंने आपने इन्होंने चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं वो बतानी है। सबसे पहले हम जो बताएंगे आपको, इसमें कैलिब्रेट के नाम से जो एक इन्होंने ऑप्शन डाला हुआ है, जिसमें ये आपका मोबाइल और गिम्बल बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल के लिए इन्होंने फंक्शन डाला है। ये ऊपर तीन डॉट दिए हुए, जो इसको क्लिक करेंगे सेंटर में हम आएंगे, गिम्बल लिखा हुआ है, गिम्बल के लास्ट में हम आएंगे तो कैलिब्रेट के नाम से एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कन्फर्म का बटन आएगा। कन्फर्म करेंगे तो ये आपका कैलिब्रेट करना शुरू कर देगा। आपका ये परसेंटेज इसमें आएगी, 100% पे ये आपका दोबारा कन्फर्म लिखा हुआ आएगा, जिसको हम जो है क्लिक करेंगे और ये गिम्बल और मोबाइल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये जैसे हमने कनेक्ट दबाया, ये गिम्बल और मोबाइल बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आपका कनेक्ट हो गया। जी, इससे आगे जो इन्होंने ऐप में और फंक्शन जो डाले हैं, इसमें सबसे पहले हम इसको स्लाइड करेंगे, यानी कि राइट साइड पे मोबाइल की, तो हमारे पास 380 का फंक्शन आएगा। 380 पे रख के हम जैसे इसको क्लिक करेंगे इसके कैप्चर के बटन को, ये हमारा 380 जो है मोबाइल मूव करना शुरू कर देगा। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये मूव करता रहेगा, ये पूरी एक पिक्चर लेगा पूरे सीन की, यानी 180 डिग्री पे।
और ये जब भी आप गैलरी में जाएंगे, गैलरी में आपको पूरी एक पिक्चर नज़र आएगी इसमें 180 की। ये 180 ये पिक्चर इसने सेव कर ली। जैसे आप गैलरी में जाएंगे नज़र आ रहा है पूरा मेरे रूम का पूरा वॉल जो है वो एक ही पिक्चर में आ गई है। तो इस तरह ये हो गया। इससे आगे हम इसको बैक करेंगे और इससे बराबर में फंक्शन में जाएंगे तो ये डॉली जूम कहलाता है। डॉली जूम में जो आपका फंक्शन है, आपका सब्जेक्ट जो भी है, आप हैं या आपने कोई चीज़ रखी हुई है, वो स्टिल रहेगी और पीछे का जो सीन है आपका, पीछे का जो फ्रेम है, वो ऐसे मूव करेगा जैसे वो आपके करीब आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से उसको मोड पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाता है आपका डॉली जूम। तो इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे फंक्शन है इसमें। इससे ऊपर जाते हैं आप तो एक टाइम लैप आता है आपका। टाइम लैप में आपको पता है कि एक वीडियो मिसाल के तौर पे आप आधे घंटे की अगर रिकॉर्ड करते हैं वो आपकी चंद सेकंड या एक मिनट के अंदर अंदर प्ले हो जाती है और बहुत फास्ट जो है उसकी वीडियो चलती है। और इससे ऊपर आप जाते हैं तो इसके ऊपर जाने के बाद आपको हाइपर लैप मिलता है। या हाइपर लैप जो है आपका ये टाइम लैप से भी ज़्यादा फास्ट है। जैसे आपने टाइम लैप पे वीडियो बनाई थी वो आपकी आधे घंटे की मिसाल के तौर पे एक मिनट में ख़त्म हुई। अब यहाँ हाइपर पे आप आके जब बनाएंगे तो एक घंटे की वीडियो भी आपकी एक मिनट में जो है वो प्ले हो जाएगी, यानी कि इतनी ज़्यादा फास्ट होगी। हम फेस को यहाँ से दोबारा लेफ़्ट साइड पे बैक करना शुरू करेंगे। हम जैसे जैसे पुराने फंक्शन में जैसे वीडियो पे आ गए, हम वीडियो से नीचे पिक्चर है, पिक्चर से नीचे आप आएंगे तो ये लाइव मोड आपका आ जाएगा जो आपको लाइव वीडियो के लिए आता है। इससे नीचे आएंगे आप तो ये आपको स्मार्ट मोड देगा आपको, जिसमें एडिटिंग के लिए इन्होंने कुछ फ्रेम बनाए जिसमें आप अपनी पिक्चर्स या अपनी वीडियो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जो ये मुख्तलिफ इन्होंने दी हुई हैं। शॉर्ट शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी होती जा रही है, हम चाहते हैं शॉर्ट वीडियो हमारी। तो ये इस मुख्तलिफ फ्रेम बनाए इन्होंने, फ्रेम के अंदर आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ हैं, काफ़ी हैं इसमें। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी नई वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक जो है वो पहुंचती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें, उसकी नॉलेज आप तक मिलती रहे। इंशाल्लाह हम नई वीडियो और आपके लिए इसमें डालेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और हमारा नंबर और हमारा वेबसाइट जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप हमारी वेबसाइट और हमसे रابطہ कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।